जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम ट्रैक्टर की सहायता से पडलिंग करते हैं तो मुख्य समस्या जो आती है वो है पानी का ट्रैक्टर में जाना। आपके ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन में, गियरबॉक्स में या रियर एक्सल में जब भी पानी जाता है तो उसके बेयरिंग खराब हो जाते हैं और आपका ट्रैक्टर काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से आपका काम रुक जाता है। दूसरी मुख्य बात, जैसा कि हम जानते हैं कि पडलिंग करते समय हमें ज़्यादा बैकअप टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके ट्रैक्टर में बैकअप टॉर्क अच्छा नहीं होगा तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, जिससे कि आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो इन मुश्किलों से बचने के लिए जब भी आप पडलिंग के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, टू व्हील ड्राइव लें या फोर व्हील ड्राइव लें। अगर आपके खेत की मिट्टी नरम सॉफ्ट है और आपको डीप पडलिंग नहीं करनी तो आप टू व्हील ड्राइव लीजिए। अगर आपके खेत की मिट्टी गाढ़ी सख्त और चिपचिपी है और आपको डीप पडलिंग करनी है तो आप फोर व्हील ड्राइव लीजिए। जैसे कि हम जानते हैं, फोर व्हील ड्राइव में स्लिपेज कम होता है, जिसका फायदा आपको पडलिंग में मिलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद आपको देखना चाहिए ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आपके ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होगी तो आप आसानी से काम कर पाते हैं और बन क्रॉसिंग भी आसानी से हो पाती है। अगर आपके ट्रैक्टर के फ्रंट टायर बड़े होंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस तो बढ़ती ही है। साथ ही साथ जब आप रोटावेटर के साथ पडलिंग करते हैं तो आगे के टायर बड़े होने से पुलिंग अच्छी होती है और आपका काम अच्छा होता है। इसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग होना चाहिए। अगर आपके ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग है तो आप घंटों आसानी से काम कर सकते हैं, वो भी बिना थकावट। अब बात करें टर्निंग रेडियस की, तो आपके ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस अगर कम होगी तो छोटी से छोटी जगह में भी आप आसानी से टर्न ले पाओगे। अब बात करते हैं फ्रंट विजिबिलिटी की। आपको ट्रैक्टर पर बैठकर ये देखना चाहिए कि आपको विजिबिलिटी कैसी मिल रही है। अगर विजिबिलिटी अच्छी होगी तो आपको काम करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके ट्रैक्टर के टायर और फेंडर में कितना गैप है। फेंडर और टायर में गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही कीचड़ फंसने के चांसेस कम होते हैं, जो कि पडलिंग में बहुत ही उपयोगी है। ट्रैक्टर खरीदते समय यह भी देखें, क्या उसमें मेटल फेस सीट और रियर ऑयल्ड एक्सल है क्या। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ट्रैक्टर में पानी का रिसाव नहीं होता है। आपके ट्रैक्टर में प्लेनेटरी ड्राइव होने की वजह से रियर व्हील पर आने वाला लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे कि एक्सल और ट्रांसमिशन की लाइफ बढ़ती है। साथ ही साथ यह भी देखें कि आप जो ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उसमें डिफरेंशियल लॉक है क्या। डिफरेंशियल लॉक होने की वजह से आपके रियर के दोनों व्हील्स को बराबर पावर जाती है और ट्रैक्टर धंसने की स्थिति में ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है और आपका ट्रैक्टर कीचड़ से बाहर निकल आता है। साथ ही साथ ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक होने की वजह से आपके ट्रैक्टर की ब्रेकिंग अच्छी होती है, जिससे कि आपका काम अच्छा होता है। यह भी देखें, स्टार्टर मोटर, बैटरी और अल्टरनेटर की पोजीशन ऐसी जगह हो जहां पानी लगने के चांसेस कम हो। ट्रैक्टर में ये देखें कि ट्रैक्टर के लैंप सील्ड होने चाहिए ताकि उसमें पानी ना जाए। साथ ही साथ यह भी देखें कि ट्रैक्टर में फुटस्टेप और फ्लोर पर किस टाइप का डिज़ाइन है, क्या वो एंटी स्लिपरी है, जिससे कि आपको अच्छी ग्रिप मिलती है और फिसलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। साथ ही साथ आजकल पडलिंग के लिए HLD टायर का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीलरशिप पर बात कर HLD टायर वाला ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यकीन है इन सब बातों को ध्यान में रखकर पडलिंग के लिए ट्रैक्टर खरीदना आपके लिए बेहद आसान होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं यह एपिसोड आपको कैसे लगा। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहें।